आजकल सोसाइटी के अंदर जो एक कानून का डर होना चाहिए, एक कानून का जो एक दबदबा होना चाहिए लोगों के मन में, वो बिल्कुल गिर चुका है और बिल्कुल कम हो चुका है। क्या आप इस बात को, मेरी बात से एग्री करते हो? आपको कहीं सोसाइटी के अंदर दिखता है कि आजकल जो कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, कानून का मन में जो डर होना चाहिए लोगों के बीच में, वो गिर चुका है? मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी अच्छे से जानते हो कि आजकल जो सोसाइटी में बिल्कुल भी लोगों के मन में डर नहीं रहा कि भाई अगर मैं किसी को धमकी देऊंगा तो सामने वाला व्यक्ति मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है। FIR दर्ज कराने के बाद एक पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन की जो पुलिस करेगी उसमें अगर मेरा नाम आया तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, मुझे जेल में डाल सकती है, फिर मुझे मजिस्ट्रेट के आगे पेश करेगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद मेरा जो है ट्रायल चलेगा, और ट्रायल चलने के बाद अगर मजिस्ट्रेट ने मुझे गिल्टी पाया और मुझे कन्विक्ट कर देगी इतनी पर्टिकुलर XYZ नाम की, इतने सालों के लिए मुझे जेल की सजा हो जाएगी, फिर मुझे जेल में अपना पूरा जीवन काटना पड़ेगा। ये इतना बड़ा प्रोसेस होता है कानून का, अपने आप में किसी को, आम आदमी को सुनने के बाद आराम से रूह कांप जानी चाहिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली लॉयर्स तक को जो है थ्रेट कॉल्स आ रही है, धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जान से मारने वाली धमकी के कॉल्स आ रहे हैं। सिर्फ किस लिए? एक लॉयर ने, जो गुजरात बेस्ड लॉयर है, एक गुजरात के अंदर अपना हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक लॉयर जो है, एडवोकेट जो है, वो प्रैक्टिस करता है। उसने क्या करा, एक लॉयर ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक जो अभी बीजेपी की जो सस्पेंडेड लीडर हैं, जिन्होंने एक रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर एक कंट्रोवर्शियली जो बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा कि उन्होंने एक जो है रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर एक जो है कमेंट करा था, उनकी वजह से कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया था, उसके दौरान इन लॉयर ने, जो गुजरात बेस्ड लॉयर हैं जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, इन्होंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे पर्टिकुलर जो सस्पेंडेड बीजेपी लीडर जो है, उनकी जो लीडर है उनकी फोटो लगाई थी, उनको सपोर्ट करते हुए कि भाई मैं जो है फला फला बात को जो है सपोर्ट करता हूँ वगैरह वगैरह, पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए मैं जो है इन पर्टिकुलर लीडर को जो है मैं फॉलो करता हूँ या सपोर्ट करता हूँ, इसीलिए मैं उनका व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा हूँ। सिर्फ इतनी सी बात थी। तो गुजरात बेस्ड जो लॉयर है, इनको जो है फोन आने लगे, इनको जो है धमकी भरे फोन आने लगे, क्योंकि तुमको हम जान से मार देंगे अगर तुमने ऐसे जो है सपोर्ट पर्टिकुलर लीडर्स को करा और पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर तुमने जो है सपोर्ट करा, हम तुम्हें जान से मार देंगे वगैरह वगैरह। दूसरी बात, यहां पर जो पर्टिकुलर गुजरात बेस्ड लॉयर है, जिनको थ्रेट कॉल्स मिल रही थी, वो डर गए, भागे भागे पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वालों के पास, और पुलिस वालों के पास जब वो गए, पुलिस ने भी हाल ही में, कल की बात है ये, पुलिस ने जो कल ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ जी भाई ये बिल्कुल सच बात है, और पुलिस ने यह भी बताया कि हमने जो है XYZ बंदों के जो है नाम पर FIR दर्ज करी, मतलब अननोन पर्संस के ऊपर जो है FIR दर्ज करी, क्योंकि पता ही नहीं भाई अपराध एक्चुअल में करा किसने है, एक्चुअल में जो है थ्रेट कॉल्स दी किसने है, क्योंकि कॉल भी ट्रेस करी जा रही है, तो एक्चुअल में पता नहीं लग पा रहा है कि एक्चुअल में बंदा कौन है। तो यहां पर अननोन व्यक्ति के खिलाफ जो है पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है, और यहां पर जब FIR दर्ज करी गई है अननोन पर्सन के खिलाफ में, FIR जो दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन भी है वो है साबरमती पुलिस स्टेशन इन अहमदाबाद। अहमदाबाद का एक पुलिस थाना है, वहां पे जो है FIR दर्ज हो चुकी है, और पुलिस ने ऑफिशियली डिक्लेयर अपना कर दिया, हाँ जी भाई ये बिल्कुल सच बात है। और पुलिस ने बोला है कि देखो भाई, हमारी पहली इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दी है, हमने एक बंदे को भी पकड़ा है, एक बंदा हमारे रिडार पे आया है, पकड़ा नहीं है, रिडार पर आया है, उसका नाम, वो भी एक लॉयर है जो धमकी के कॉल्स भेजने में इन एडवोकेट को शामिल है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये एक बंदा हमारे रडार पे आया है, उसका नाम, मतलब वो भी एक लॉयर है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अपनी प्रैक्टिस करता है, और हमने अपनी टीम भेज दी है इस लॉयर को पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए, क्योंकि ये सारे लोग अभी अंडरग्राउंड होके बैठे हुए हैं। तो ये आप लोग मेरे को बताइए, जो मैंने भी वीडियो के स्टार्टिंग में स्टेटमेंट आपको दी थी कि लोगों के मन में जो है कानूनी रूप से जो डर होना चाहिए लोगों के मन में कानून को लेके, कि भाई मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है अगर मैं ऐसा अपराध करूंगा, और मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, एक अच्छा प्रोफेशन के अंदर मैं इन्वॉल्व हूं, तो मैं ऐसे गलत काम ना करूं। या फिर आप लोगों के अभी जो है रिसेंटली न्यूज देखी जा रही होगी कि एक सेलिब्रिटीज लोगों को जो है दिन दहाड़े मारा जा रहा है, थ्रेट कॉल्स दी जा रही हैं वगैरह वगैरह, और एक आम जनता तो अभी कहीं दूर दूर तक भी नहीं है सेफ्टी के मामले में, जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं इनकी कोई सेफ्टी नहीं है, तो एक आम व्यक्ति तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो यहां पर आप लोग बताइए कि कानूनी व्यवस्था को सरकार के द्वारा जो है स्ट्रिक्ट तौर पे अच्छा तरीके से इंप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप सेफ फील महसूस करते हो या नहीं करते हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके, लोगों को वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।